class. Today I am going to start your next lecture of the same chapter, that is diversity in living organisms. So in the last lecture we have learned about the four phylums, and this lecture we are also going to learn about the four phylum. So let's start from the next phylum, that is phylum Annelida. Okay, Annelida means the ringworm. Common name is segmented worm. You have seen the earthworms. आपने earthworm देखा है, that earthworm is segmented, खंड में होता है. तो Annelida में जितने भी insects आते हैं they are segmented. उनकी body जो है वो segments में divided होती है. So the general characteristics are that they occur in fresh water, sea water और moist water. Fresh water में, sea water और moist water में पाए, soil में पाए जाते हैं. सम आपने देखा है अर्थवॉर्म जो है वो मॉइस्ट सॉइल, जहाँ नमी होती है वहाँ पे अर्थवॉर्म अपना बरो बनाते हैं, बिल में से निकलते हैं, रहते हैं. तो मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं, सी वाटर में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. सम आर फ्री लिविंग, सम आर बरोइंग एंड अ फ्यू आर पैरासाइट. सम आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, बरोइंग होते हैं, जो कि बिल बना के रहते हैं लाइक अर्थवॉर्म. एंड फ्यू आर पैरासाइट, और कुछ कैसे हैं, पैरासाइट हैं. पैरासाइट नहीं जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो. सो फ्यू आर पैरासाइट्स, तीनों ही तरह के होते हैं. दे आर द फर्स्ट एनिमल विथ ट्रू बॉडी कैविटी. अभी तक आपने पढ़ा था आगे के फाइलम्स में कि किसी में स्टार्टिंग के फाइलम्स में सिलोम नहीं था, फिर उसके बाद स्यूडो सिलोम हुआ, मतलब सिलोम जैसा स्ट्रक्चर है, बट ये पहला फाइलम ऐसा है. जैसे इवोल्यूशन होता जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे फाइलम में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फाइलम्स में डेवलपमेंट भी बढ़ता जाएगा. तो एनीलिडा में सिलोम जो होता है वो ट्रू होता है. दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. बाइलेटरली सिमेट्रिकल मीन्स अगर आप बीच में से इसे कट करेंगे तो दोनों तरफ की जो सिमेट्री होगी वो एक जैसी होगी. ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स जो थ्री जर्म लेयर्स है वो तीनों जर्म लेयर्स से मिलकर के ये बने हैं. एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीट. एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीट का क्या मतलब होता है कि माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट है. इट्स अ कम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल. रिस्पिरेशन इज थ्रू द जनरल बॉडी सर्फेस. अभी रिस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, जो इनका बॉडी सर्फेस है उसी से रिस्पायर करते हैं. एक्सक्रीशन इज बाई नेफ्रीडिया. एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसे नेफ्रीडिया कहते हैं. इट्स अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फाइलम कि ये सेगमेंटेड होते हैं और इनमें एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया पाया जाता है. सेक्सेस में बी यूनाइटेड, सम आर हर्माफ्रोडाइट और सम आर सेपरेट. एंड एग्जाम्पल्स आर नेरिस, जिसे सैंड वॉर्म या क्लैम वॉर्म कहते हैं, एम्फ्रोडाइट सी माउस, एंड फेरिटिमा पोस्थिमा अर्थवॉर्म, हिरिडिनेरिया इंडियन कैटल लीच एंड बोनेरिया. दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द एनिलिड्स. अब आपको फिगर से समझाते हैं. देखिए, इट्स अ अर्थवॉर्म, इट्स अ कार्म वॉर्म. आपने देखा है कि देखिए इन सबके बॉडी कैसे छोटे छोटे खंड में बटे हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. इट्स अ माउथ एंड इट्स अ एनस. तो एक कम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है और बॉडी सेगमेंटेड है. सो एनिलिडा का मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि दे आर सेगमेंटेड. आप सेगमेंट से पहचान सकते हैं कि एनिलिडा है. नेक्स्ट इज फाइलम अर्थोपोडा. कॉमन नेम द एनिमल्स, अर्थो मीन्स, अर्थवॉर्म मीन्स जॉइंट एंड पोडास मीन्स फूट, जिनके जॉइंट फूट हो, पैर जो है वो जुड़े हुए हों. कॉमन नेम इज द एनिमल विथ जॉइंटेड फीट. क्या कहते हैं, कॉमनली जो एनिमल्स जो होते हैं जिनमें फीट जॉइंटेड होते हैं. द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, लार्जेस्ट ग्रुप है, इनमें बहुत सारे एनिमल हैं. द दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, ऑन लैंड, इन सॉयल, इन वाटर एंड एज पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल. दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं, लैंड पे, सॉयल में, मिट्टी में, अर्थ लैंड पे, पानी में. और पैरासाइट्स भी होते हैं, कुछ इनके जो है वो पैरासाइट्स हैं एनिमल्स के भी, एंड सम आर पैरासाइट्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो. सो दे आर पैरासाइट्स ऑल्सो, हर तरह के, हर जगह ये पाए जाते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक, देखिए ये सबका कैरेक्टरिस्टिक है बस, आप ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोम इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, और सबके स्पेशल फीचर्स याद करेंगे तो भी आपको कंपैरिजन सारे फाइलम्स का लर्न रहेगा कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. इससे पहले वाला फाइलम भी ट्रिप्लोब्लास्टिक था. बाइलेटरल सिमेट्री है, अभी तक देखिए सब में बाइलेटरल सिमेट्री अब पाया जा रहा है. एनिलिडा में भी बाइलेटरल सिमेट्री, आर्थ्रोपोडा में भी बाइलेटरल सिमेट्री है. मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं एनिमल्स,
एंड द बॉडी इज सेगमेंटेड इन टू टू रीजन. पूरी बॉडी दो सेगमेंट में बटी है. अर्थफॉर्म की बॉडी कैसी थी? एनिलिड में पूरी बॉडी ही सेगमेंट्स में बटी थी, लेकिन इनकी पूरी बॉडी दो सेगमेंट में है, हेड और थोरेक्स में डिवाइडेड है. एक्सोस्केलेटन इज मेड ऑफ काइटिन. एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, इसीलिए थोड़ा सा सख्त होता है. ठीक है, अभी एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सोस्केलेटन काइटिन का क्या मतलब है. माउथ पार्ट्स अडेप्टेड फॉर बाइटिंग, चीविंग, पियर्सिंग एंड सकिंग. माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइटिंग के लिए, काटने के लिए, च्यू करने के लिए और सक करने के लिए अडेप्टेड होते हैं. रिस्पिरेशन अकर थ्रू जनरल बॉडी सर्फेस, गिल, ट्रैकिया और बुक लंग्स. रिस्पिरेशन जनरल बॉडी सर्फेस से होता है, किसी किसी में गिल, ट्रैकिया या बुक लंग्स जो कि स्पेशल रिस्पिरेटरी ऑर्गन है ये पाए जाते हैं. एक्सक्रीशन अकर बाई मालपिगियन ट्यूब्यूल्स. और एक्सक्रीशन के लिए देखिए, एनिलिडा में एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया था, और इनमें अर्थोपोडा में एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे मालपिगियन ट्यूब्यूल्स या ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं. मेनली मालपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं. आपसे ऐसा पूछा जाता है कि किस फाइलम में मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, किस में नेफ्रीडिया के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करके याद रखिए तो याद रहेगा. सी, सेक्सेस आर सेपरेटेड. मेल फीमेल अलग अलग होते हैं. अब देखिए ये पूरी बॉडी, ये प्रॉन देख लीजिए, आपने देखा है प्रॉन, क्रैब या इंसेक्ट, देखिए कॉकरोच देखा है आपने. कॉकरोच का आउटर सर्फेस देखो कितना सख्त होता है. ठीक है, तो यही बता रहा है कि जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाहर की ओर स्केलेटन है वो कैसा है? सख्त है, हार्ड है. सो दैट इज एक्सोस्केलेटन इज प्रिपेयर्ड ऑफ काइटिन का बना होता है, सब इसीलिए थोड़ा सख्त होता है. अब सब में जॉइंट फीट बताया गया. देखो कॉकरोच में, हाउस फ्लाई में, बीटल में, ये देखो जो पैर है वो दोनों तरफ से जॉइंटेड है, ऐसा नहीं इधर एक है इधर नहीं है. तो ये जॉइंट लेग्स इनके कैरेक्टरिस्टिक है. और इंसेक्ट आपने देखा है कि कॉकरोचेस हैं और लैंड पे पाए जाते हैं, हाउस फ्लाई है पाई जाती है अर्थ पे, प्रॉन है ये पानी में पाए जाते हैं, क्रैब पानी में भी पाए जाते हैं, स्कॉर्पियन पानी में भी पाए जाते हैं. तो इन सारे एग्जांपल से आप जान सकते हैं जितने भी इंसेक्ट्स हैं ना वो अर्थोपोडा में आते हैं. और अर्थोपोडा में जो एक्सोस्केलेटन होता है इनका वो थोड़ा सख्त होता है, तो काइटिन का बना होता है. सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं दो टुकड़ों में सिर्फ एक. देखो प्रॉन में देखो एक हेड है और बाकी का सारा पोर्शन आता है थोरैक्स में. सम एग्जांपल्स आर पेरिपेटस, पेलमॉन जिसे प्रॉन कहते हैं, साइक्लोप्स, द वन आइड जायंट कैंकर, क्रैब कहते हैं, ये देखिए क्रैब है, एंड स्कोलोपेंड्रा दैट इज सेंट्रिपिड, सेंट्रिपिड. ये सब, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द फाइलम अर्थोपोडा. नेक्स्ट इज फाइलम मोलस्का, जिसे कहते हैं मोलस्क मीन्स सॉफ्ट. What are the general characteristics? They are mostly aquatic, live in sea water, some are fresh water. Mostly पानी में ही पाए जाते हैं, ज़्यादातर सी में पाए जाते हैं, कुछ हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. एंड दे आर सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं. बॉडी ना छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और ना ही टू सेगमेंट में डिवाइड होती है, बॉडी अनसेगमेंटेड होता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट एनिमल, सीलोम प्रेजेंट होता है, एंड बाइलेटरल सिमेट्री. अब देखते जाइए कि ये तीन टॉपिक आप सब में लिख सकते हैं, जिस तीन फाइलम में. अभी आप लगातार तीन फाइलम पढ़ रहे हैं, पढ़ते आए, आपने एनिलिडा पढ़ा, फिर आपने आर्थ्रोपोडा पढ़ा, मोलस्का. दीज ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट एंड बाइलेटरल सिमेट्री, ये सब में पाई जा रही है. द सॉफ्ट बॉडी इज यूजली सपोर्टेड बाई ए हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अंदर सॉफ्ट बॉडी होती है और बाहर की ओर एक हार्ड शेल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. लोकोमोशन इज ब्रॉड अबाउट बाई मस्कुलर फूट, जो उनके पास फूट होता है मस्कुलर, उसी की सहायता से लोकोमोट करते हैं. रिस्पिरेशन कैसे होता है? रिस्पिरेशन अकर थ्रू गिल्स कॉल्ड टेंडिया. ठीक है, रिस्पिरेशन स्पेशल गिल के द्वारा होता है. ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है. ब्लड इज यूजुअली ब्लू. ब्लड किस, हमारे बॉडी में ब्लड किस कलर का होता है? रेड, क्योंकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है. बट इनका ब्लड किस कलर का होता है? ब्लू, बिकॉज ऑफ द हीमोसाइनिन. इनमें दूसरा पिगमेंट पाया जाता है हीमोसाइनिन, जिसके कारण ब्लड किस कलर का होता है? ब्लू कलर का. एक्सक्रीशन बाई अ पेयर ऑफ किडनी और मेटानेफ्रीडिया, नोन एज केबर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बुजेनस. इनमें एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? केबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बुजेनस कहते हैं. नियोपीलियम एग्जाम्पल आर लिविंग फॉसिल, जो है लिविंग फॉसिल है. एंड काइटोन कोट ऑफ मेल शेल, पाइला दैट इज एप्पल स्नेल. अभी दिखाते हैं, आपने स्नेल देखा होगा,
ये देखो ये है कटल फिश, दैट इज यूनियो, आपने देखा है सी घोगा देखा है पाइला, तो बॉडी जो है वो अंदर सॉफ्ट में होती है और बाहर की ओर एक हार्ड शेल होता है, ये एग्जाम्पल है मॉलस्का का। ऑक्टोपस का फिगर देखिए कि उनकी बॉडी अंदर सॉफ्ट होती है लेकिन ऊपर का जो लेयर है वो हार्ड होता है, तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक हुए। नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मीन्स स्पाइंस एंड डर्मेटा मीन्स स्किन, मतलब जिसके स्किन पे स्पाइंस या कांटे पाए जाते हैं। द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, कॉमनली इन्हें कहते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे स्पाइंस पाए जाते हैं। ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल, ये कैसे होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले हैं। बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट एंड विदाउट सेगमेंटेड विथ रेडियल सिमेट्री, बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है जो कि बाकी के तीनों फाइलम में था, बट अब बॉडी देखो सेगमेंटेड नहीं है और सिमेट्री कैसी है, रेडियल, अभी तक कैसी थी, बाइलेटरल इन एडल्ट, बट बाइलेटरल इन लार्वा। जब लार्वा को पता है कि लार्वा पहले बनता है फिर डेवलपमेंट होकर एडल्ट बनते हैं, तो लार्वल स्टेज में बाइलेटरल ही होता है लेकिन फिर जब बड़े हो जाते हैं तो रेडियल सिमेट्री होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीट, इट मीन्स द माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल, ए सेक्शुअल और रीजेनरेशन। ये देखिए दीज आर द एग्जाम्पल, सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज स्टारफिश सी कुकुम्बर फेदर, देखो सबकी बॉडी पे बाहर की ओर स्पाइंस पाए जा रहे हैं, यहाँ एक माउथ है और एनस भी है, दोनों पोर्स है माउथ और एनस, एक्सक्रीशन के लिए भी फूड के लिए भी, और अगर आप इस स्टारफिश का एक पार्ट काट दोगे तो फिर ये रीजेनरेट करके ग्रो कर जाएगा, लेकिन बस बीच में से मत काटो, उनका न्यूक्लियस नहीं कटना चाहिए। तो ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है इकाइनोडर्मेटा के। तो आपका ये फोर फाइलम कंप्लीट होता है। कुछ एग्जाम्पल जो है वो है सी, सबसे इजी एग्जाम्पल है स्टारफिश एंड सी स्टार, और सी स्टार कहते हैं इसे, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर एंड फेदर स्टार, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इकाइनोडर्मेटा। तो अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कॉर्डेटा, जिसमें कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा, तो ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ लीजिए। अब कॉर्डेटा आपको पता है कि जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है वहाँ से कॉर्डेटा शुरू होगा इसके बाद से, तब तक के लिए इतने फाइलम पढ़ लीजिए। हम एक कंपैरिजन भेज देंगे आपको इन सब का, जो आपको बहुत आसान होगा लर्न करना। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।